फिल्म की शुरुआत में हम लोग एवा नाम की एक 13 साल की लड़की को देखते हैं। एवा अपना ज्यादा टाइम बीच पर ही स्पेंड करती है क्योंकि उसकी लाइफ में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। एक दिन एवा देखती है कि बीच में कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो रहा होता है। वहां पर एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है हुआन। हुआन 18 साल का होता है और एवा को हुआन पर क्रश होता है। बीच पर एवा देखती है कि हुआन के पास एक कुत्ता है और घर जाकर एवा अपनी मॉम को भी कहती है कि उसे एक कुत्ता चाहिए क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है, पर एवा की मॉम उसे मना कर देती है। एवा की आंख में एक प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए वो अगले दिन चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि एवा को एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी गायब होती चली जाएंगी। पहले उसे रात में कुछ भी नहीं दिखेगा और फिर वो हमेशा के लिए अंधी हो जाएंगी और इसका कोई इलाज भी नहीं है। ये सब सुनकर एवा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एवा को पता होता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो अंधेरे में रहने की प्रैक्टिस शुरू कर देती है और ये डिसाइड करती है कि वो अंधी होने से पहले अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करेंगी और वो हर एक चीज करेंगी जो वो करना चाहती थी। अगले दिन एवा फिर से बीच पर घूमने जाती है और वहाँ पर बाकियों के साथ खेलती है। वहाँ पर उसकी मॉम अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है और एवा बस एक जगह पर बैठी रहती है। शाम को एवा हुआन का पीछा करती है। हुआन जब एक डिपार्टमेंट स्टोर में जाता है तब वो अपने कुत्ते को बाहर में बांध कर जाता है। जब हुआन का अपने कुत्ते पर ध्यान नहीं होता तब एवा उसके कुत्ते को चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। एवा उस कुत्ते का नाम लूपो रख देती है और उसे अपने घर के अंदर अपने रूम में छुपा देती है। इसके बाद से एवा अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर चलने की प्रैक्टिस करती है। एक दिन घर वापस जाने के बाद उसे बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को घर में अकेला छोड़कर चली गई थी। एक दिन ऐसे ही वो पट्टी बांधकर घूमती रहती है तब लूपो उसे बीच के एक खाली इलाके पर लेकर जाता है जहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। यहाँ पर एवा अपने आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पूरे कपड़े उतारती है और बिना कपड़ों के पानी में जाने की कोशिश करती है। बहुत देर पानी में खेलने के बाद जब वो अपने आंखों की पट्टी खोलती है तब तक शाम हो चुकी होती है। एवा जल्दी से कपड़े पहनने जाती है और देखती है कि हुआन बहुत देर से उसे वहीं पर बैठकर देख रहा था। तब एवा शर्माकर अपने कपड़े उठाकर वहां से दूर भाग जाती है। उस रात एवा को एक बुरा सपना आता है जिसमें उसकी मॉम अपनी बच्ची को रोता छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है। इसके बाद एवा फिर से उस बीच के खाली इलाके में जाती है और वहां उसे हुआन का एक बंकर मिलता है। उस बंकर के अंदर एवा को एक राइफल भी दिखती है जिसे देखकर एवा वहां से भाग जाती है। एक दिन एवा और उसकी मॉम बाहर में बहुत देर तक घूमने जाते हैं। शाम को जब वो लोग घर में वापस आते हैं तब उनके घर में लूपो बेहोश पड़ा होता है और उसके पैर में बहुत चोट लगी होती है जिसकी वजह से उनके पूरे घर में खून फैल गया होता है। एवा की मॉम लूपो की चोट पर पट्टी बांध देती है। तब एवा को लगता है कि हुआन को भी कुछ हुआ होगा, इसलिए वो बीच पर जाती है। वहां पर हुआन बेहोश पड़ा होता है और उसके पेट में किसी ने चाकू से वार किया होता है। एवा उसे उसके बंकर में लेकर जाती है। वहां पर हुआन को होश आता है पर उसकी चोट के कारण वो ठीक से बात नहीं कर पाता। वहां पर बहुत अंधेरा हो गया होता है और एवा को अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता, इसलिए वो घर वापस जाने की जगह हुआन के साथ उसके बंकर में ही सो जाती है। अगले दिन एवा अपने एक दोस्त के साथ घूमती है और उसे किस करने कहती है। इसके कुछ दिन बाद एवा की मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से इंटीमेट हो रही होती है। तभी एवा बस्ती के बहुत सारे बच्चों को वहां पर लेकर आती है और वो सब लोग उन्हें करते हुए देखते हैं। जैसे ही एवा की मॉम उन सबको देखती है वो सब लोग वहां से भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद हुआन ठीक हो जाता है और एवा उसके साथ टाइम बिताना शुरू करती है। एवा उसे बहुत पसंद करती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करती है। जब हुआन उसे बार बार इग्नोर कर उससे दूर जाता है तब एवा उसे अपने बूब्स दिखाती है। शाम को एवा फिर से हुआन के पास लूपो को लेकर जाती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसके साथ रह सकती है, पर हुआन उसे मना कर देता है। अगली सुबह हुआन देखता है कि एवा वही बीच पर सो गई थी। इसके बाद हुआन उसे अपने साथ घूमने देता है और एवा उसकी चोट पर कुछ लगा कर देती है। फिर वो लोग अपने पूरे कपड़े उतार कर हुआन की राइफल का यूज करके बीच के लोगों को लूटना शुरू करते हैं और बंकर में जाकर छुप जाते हैं, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं पकड़ पाता। रात में वो लोग जब बैठे होते हैं तब एवा उसे बताती है कि उसे रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब हुआन उसे अपने पास बुलाता है और किस करता है और फिर वो दोनों भी इंटीमेट होते हैं। अगले दिन बीच पर घूमने वाले पुलिस वाले उन्हें देखकर हुआन को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो एक एडल्ट होने के बाद भी एक 13 साल की लड़की के साथ सोया था। तभी एवा हुआन की राइफल से उन पुलिस वालों को धमकाती है और हुआन को छुड़वा लेती है। फिर वो दोनों वहां से दूर चले जाते हैं। वो दोनों एक बाइक चुराकर उस बीच से बहुत दूर भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक बंद पड़े बार में जाते हैं। वहां पर हुआन उसे बताता है कि वो अपने ग्रुप के साथ एक शादी में आया है। हुआन एवा को बताता है कि उसके और उसके ग्रुप के बीच जेसिका नाम की लड़की को लेकर एक लड़ाई हुई थी जिसे हुआन पसंद भी करता है, पर अभी उसी लड़की की शादी होने वाली है पर हुआन उसकी शादी को रोकना चाहता है।
और इसी बीच उन लोगों में लड़ाई हो गई, जिसमें उन लोगों ने हुआन को चाकू से मारा और लूपो पर भी वार किया था। एवा और हुआन वहां पर पूरी तरह अकेले होते हैं, इसलिए वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ सोते हैं। इसके बाद एवा प्लान बनाती है कि वो हुआन की मदद करेंगी और उसके ग्रुप के पास जाकर उसका सामान लेकर आएंगी। हुआन बताता है कि कुछ दिन बाद जेसिका की शादी होने वाली है और एवा को वहीं पर घुसकर हुआन का बैग लेकर आना होगा। इसके बाद एवा अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और कुछ दिनों में वो उनके पास वापस आ जाएंगी, पर उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जेसिका की शादी होने वाली है। हुआन उसे पूरा प्लान समझाकर अपना सामान लाने भेज देता है। एवा वहाँ पर जाकर एक नौकर बनने का नाटक करती है और जेसिका की शादी में शामिल हो जाती है। शाम को सब लोग शादी में डांस कर रहे होते हैं, तभी किसी का भी ध्यान नहीं होता। इस वक्त एवा उस वैन में जाने वाली होती है जहाँ पर हुआन का बैग रखा होता है, पर कुछ लोग वहीं से गुजरते हैं इसलिए एवा रुक जाती है। रात में शादी के बाद जब सब लोग बाहर पार्टी में होते हैं, तब एवा उस वैन में हुआन के बैग को ढूंढती है। तभी बाहर में बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग एक टेंट के नीचे रुक जाते हैं और फिर बारिश के रुकने के बाद अपने वेडिंग केक को काटते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले एवा और हुआन को ढूंढते हुए आते हैं और वो लोग किसी रीजन से जेसिका के हस्बैंड को भी पकड़ कर ले जाते हैं। तभी हुआन भी वहां पर पहुंच जाता है और वो छुपकर एवा के पास जाता है और वो लोग पुलिस से बचकर भागने में लगे होते हैं। कुछ पुलिस वाले और जेसिका उन्हें भागते हुए देख लेते हैं। वो लोग भागते हुए एक नदी के पास पहुंच जाते हैं जिसमें बहुत तेज स्पीड होती है। वो लोग किसी तरह नदी को पार करके दूर चले जाते हैं। वो लोग भाग रहे होते हैं तभी वहां पर जेसिका आती है जो हुआन को उसकी कार वापस करती है और साथ ही में अपनी वेडिंग ड्रेस की वेल निकालकर एवा को देती है। एवा और हुआन वहां से बचकर भाग जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।